जो मॉडर्न कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, वो एक वॉइडर एक्सप्रेशन है और ये गवर्नमेंट के लिए एक आइडियल सेट करता है कि वो अपने टेरिटरी को पीसफुल तरीके से और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चला सके। ठीक है, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इसे डेवलप किया गया था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के द्वारा, जिसे हम दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। बाद में इसे कंफर्म किया गया एट लागोज इन द ईयर 1961। तो आप क्या लिखोगे? तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालोगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने रूल ऑफ लॉ के ऊपर 3 क्लासेस अटेंड किया है, जिसमें हमने रूल ऑफ लॉ के जनरल मीनिंग को समझा। हमने ये जाना कि एडवर्ड कोक इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इन्हें रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट के ओरिजिनेटर के रूप में भी जाना जाता है। हमने ये भी समझा कि जब कभी भी हम रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ हम दो जूरिस्ट या दो स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लिखेंगे, जिसमें हमने डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को समझा। हमने रूल ऑफ लॉ इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड कोक को भी समझा और फिर हमने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझा। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, विच इज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर लास्ट वीडियो है। रूल ऑफ लॉ के ऊपर इतने सारे लेक्चर्स लेने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर कोई टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में आए हुए हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को समझेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो पहले उन 3 वीडियोस को अटेंड कर लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लो। चलिए, तो रूल ऑफ लॉ क्या है उसे हमने अच्छे से समझा है, तो आज हम रूल ऑफ लॉ के मॉडर्न कंसेप्ट को समझेंगे। देखो, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज फेयरली वाइड एंड देयरफॉर सेट अप एन आइडियल फॉर एनी गवर्नमेंट टू अचीव पीस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स टेरिटरी। जो मॉडर्न कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, वो एक वॉइडर एक्सप्रेशन है और ये गवर्नमेंट के लिए एक आइडियल सेट करता है कि वो अपने टेरिटरी को पीसफुल तरीके से और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चला सके। ठीक है, ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इसे डेवलप किया गया था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के द्वारा, जिसे हम दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। बाद में इसे कंफर्म किया गया एट लागोज इन द ईयर 1961। तो आप क्या लिखोगे? तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालोगे, ठीक है, और इसमें आप एक ब्रीफ डिस्कशन करोगे रूल ऑफ लॉ को लेकर। यहां आप लिखोगे कि जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज फेयरली वॉइड, इज फेयरली वॉइड एंड देयरफॉर सेटअप एंड आइडियल फॉर द गवर्नमेंट
to achieve peace and effective administration in its territory. Clear है? चलिए, बाद में आप लिखोगे कि जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज डेवलप्ड, इसे डेवलप्ड किया गया था, वॉज डेवलप्ड बाई इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स, ऑल्सो नोन एज दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना गया, इन 1959. आगे आप लिखोगे विच वॉज लेटर, तो दिखाई तो दे रहा है, विच वॉज लेटर कन्फर्म, जिसे कन्फर्म किया गया बाद में, एट लागोस इन 1961. तो ये है रूल ऑफ लॉ, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन. चलिए अब हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करेंगे. So, according to modern concept of rule of law, हम ये कह सकते हैं कि rule of law implies that, rule of law का मतलब है कि जो powers हैं, जो functions हैं government के in a free society should be exercised in such a manner, उन powers का, उन functions का इस्तेमाल गवर्नमेंट को इस तरीके से करना है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों के डिग्निटी को अपलिफ्ट कर सकें और हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें एट लार्ज. तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फ्री सोसाइटी शुड बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ मैनर दैट इट अपलिफ्ट्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड maximizes the social welfare at large. यही है rule of law का मतलब in context of modern. ठीक है, okay. तो according to modern concept आप लिख लो, according to modern concept rule of law implies that ठीक है, powers and functions of government, powers and functions of government in a free society. Free society का मतलब है democratic society. ठीक है, in a free society should be exercised in such a manner that it uplifts the dignity of a man at individual level and welfare of society at large. ठीक है, तो ये है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. ठीक है, देखो ये जो कमिटी थी, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, इसने अपने आप को कई वर्किंग कमिटीज में डिवाइड किया, राइट. जैसे कि कमिटी ऑन इंडिविजुअल
लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ। तो हमने ये जाना कि जो मॉडर्न कंसेप्ट था रूल ऑफ लॉ का, उसे डेवलप्ड किया गया था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के द्वारा। इस कमीशन ने रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करने के लिए अपने आप को सेवरल स्मॉल कमिटीज में डिवाइड किया, सेवरल स्मॉल वर्किंग कमिटीज में डिवाइड किया इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने, जैसे कि कमिटी ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, कमिटी ऑन जुडिशियल प्रोसेस एंड रूल ऑफ लॉ, कमिटी ऑन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ, और भी कई सारे कमिटीज़ थी, लेकिन हम केवल मेजर कमिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे आप लिखोगे कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू मैनी वर्किंग कमिटीज टू एंश्योर द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आगे अब वेरियस कमिटीज क्या क्या हैं? पहला है हमारा कमिटी ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, तो एक ऐसी कमिटी जो इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर वर्क करती है। दूसरा कमिटी ऑन गवर्नमेंट, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। तीसरा कमिटी ऑन जुडिशियल प्रोसेस, कमिटी ऑन जुडिशियल प्रोसेस एंड रूल ऑफ लॉ। इन सारे कमिटीज को आप एक्सप्लेन करोगे। लास्ट है कमिटी ऑन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ, कमिटी ऑन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ओके। अब इन कमिटीज का क्या ऑब्जेक्टिव था? देखो, कमिटी ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ, इस कमिटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि स्टेट शुड नॉट पास एनी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, कि जो स्टेट है वो कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ना पास करे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, राइट। तो ये इंश्योर करना कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ना अडॉप्ट करे, ना पास करे, टू इंश्योर दैट स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस बिलीव्स, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर जो स्टेट है वो उनके रिलीजियस बिलीव्स में इंटरफेयर ना करे, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री जहां लोगों को आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट शुड नॉट प्लेस अनड्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, जो स्टेट है वो लोगों के पर्सनल फ्रीडम के ऊपर किसी प्रकार का अनड्यू रेस्ट्रिक्शन ना इम्पोज करे। तो इस पर्टिकुलर कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप लिख सकते हो तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। पहला, दैट द स्टेट शुड नॉट पास एनी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। दूसरा, दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल। That the state should not place any undue restrictions on freedom of people. ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कमिटी ऑन गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। देखो, रूल ऑफ लॉ मीन्स नॉट ओनली एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट abuse of power but effective government capable of maintaining law and order. Rule of law का मतलब केवल ये नहीं है कि जो government है वो
एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करें लोगों को अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। क्योंकि हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है ताकि वो अपने पावर्स का मिसयूज ना कर सके। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब केवल ये नहीं है कि हम एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करें लोगों को अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, साथ ही हम क्या करें गवर्नमेंट को कैपेबल बनाएं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। तो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ में आप लिखोगे रूल ऑफ लॉ मीन्स नॉट ओनली रूल ऑफ लॉ means not only adequate safeguards, not only providing adequate safeguards available to people against abuse of power by administrative authorities, it also aims at making government capable of maintaining law and order। ठीक है, तो ये है। अब आइए कमीशन ऑन जुडिशियल प्रोसेस एंड रूल ऑफ लॉ, इसमें क्या है, इसमें हम इस पर्टिकुलर कमिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशन। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे दिस कमिटी एम्स एट वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशन। लॉ क्या है, इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशन है, क्योंकि लॉयर्स के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, एक प्रॉपर एक्ट है किस तरह से लॉयर्स और किस तरह से जजेस हाउ और एंड इन व्हाट मैनर दे विल प्रोवाइड जस्टिस, और वो कैसे एक्ट करेंगे, ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशन है। तो कमिटी ऑन जुडिशियल प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इंडिपेंडेंट लीगल प्रोफेशन। फिर है हमारा कमिटी ऑन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ, यहाँ मतलब जो क्रिमिनल प्रोसेस, मतलब हमारे पास एक ऐसा लेजिस्लेशन हो जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है कि अगर एक पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसके क्राइम कमिट करने से लेकर के उसके ट्रायल तक के पूरे प्रोसेस हो, पूरा प्रोसीजर हो। हमारे पास एक प्रोसीजर लॉ है CRPC राइट, जिसमें हम एक पर्सन के किसी भी ऑफेंस कमिट करने से लेकर के प्रॉपर जो जजमेंट आता है, जो ट्रायल होता है, वो सभी हमारे पास क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, नो अरेस्ट विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ, बिना किसी लीगल अथॉरिटी के आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, यानी अरेस्ट करने का जो पावर है वो केवल लॉ अथॉरिटीज के ऊपर है। ठीक है, लीगल एड प्रोवाइड करना किसको, अरेस्टेड पर्सन्स को या उन पर्सन्स को जो लीगल हेल्प नहीं ले सकते हैं, राइट। स्पीडी हेयरिंग ऑफ केसेस हो, फेयर ट्रायल हो एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक एक पर्सन गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक वो इन द आईज ऑफ द लॉ इनोसेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कमिटी है, कमिटी ऑन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ, इसके ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखोगे ड्यू क्रिमिनल प्रोसेस, नो अरेस्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, legal aid to arrested person, public trial and fair hearing, presumption of
innocence until proven guilty. ठीक है, तो ये वेरियस कमिटीज थी जिन्हें हमने समझा और जिनके ऑब्जेक्टिव्स को हमने जाना. तो देखो, अपने अब तक के डिस्कशन को, जो भी हमने 3-4 क्लासेस लिया है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, अगर हम उन सारे डिस्कशंस को समअप कर दें तो हम रूल ऑफ लॉ के कुछ बेसिक फीचर्स को ड्रॉ आउट कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ सम बेसिक फीचर्स और सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. आगे पॉइंट्स में उन सभी फीचर्स को हम समझते हैं. तो लिख लो आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है जिस पे रूल ऑफ लॉ फोकस करता है वो क्या है कि लॉ इट्स सुप्रीम. लॉ सुप्रीम है अबव एवरीथिंग एंड एवरीवन. नोबडी इज अबव द लॉ. तो लॉ क्या है? लॉ इट्स सुप्रीम अबव एवरीथिंग एंड अबव ऑल एंड नो वन इज अबव द लॉ. और कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है. ये क्या है? बेसिक फीचर है इसका, रूल ऑफ लॉ का. तो लॉ इट्स सुप्रीम. ठीक है, अबव एवरीथिंग नोबडी इज अबव द लॉ. नोबडी इज अबव द लॉ. दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है कि एनीथिंग ऑल थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड नॉट अकॉर्डिंग टू विम ऑफ एनी पर्सन. जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रोसेस से होके जाएंगी. जो भी चीज़ें हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वो सभी चीज़ें रन करेंगी. नॉट अकॉर्डिंग टू द विम. WHIM. विम मतलब सडन डिजायर ऑफ अ पर्सन, या जिसे आप हिंदी में सनक कहते हो. तो किसी पर्सन के सनक या किसी पर्सन के सडन डिज़ायर से वो चीज़ें नहीं चलेंगी. जो भी चीज़ें होंगी वो प्रॉपर वेज में होंगी और लॉ के प्रोविजंस के तहत होंगी. ठीक है, तो दूसरा क्या है? ऑल थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड नॉट अकॉर्डिंग टू विम ऑफ अ पर्सन. विम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तीसरा फीचर नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर इन बॉडी और डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ. ठीक है, ओके. तो जब तक एक पर्सन लॉ के प्रोविजंस को ब्रीच नहीं करता है तब तक वो सफर नहीं करेगा इन बॉडी एज वेल एज He should not be deprived from his property. आगे कहता है, absence of arbitrary power. हमें arbitrary powers यानी हमें excessive powers नहीं देना है किसको? Administrative authorities को. क्योंकि अगर हम more than the requirement powers उन्हें grant करते हैं तो there is high possibility कि वो उन powers का गलत इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स. इन द हैंड्स ऑफ
गवर्नमेंट अथॉरिटीज। चलिए आगे हम समझते हैं, तो ये आप नोट कर लो। देखो वीडियोस जनरली थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको नोट्स भी लिखवाया जा रहा है तो ये ऑब्वियस है कि वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं और वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। चलो पाँचवा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो विद इन रीजनेबल लिमिट होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, मतलब अगर अपने विवेक से अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो लिमिट में रह करके काम करेंगे, और वो जो लिमिट है इट मस्ट बी सेट बाय द लॉ। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज विद इन रीजनेबल लिमिट्स सेट बाय द लॉ। और क्या है, एडिक्वेट सेफ गार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव अब्यूज ऑफ द पावर। अगर एग्जीक्यूटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, तो सेफ गार्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो आगे आप लिखोगे एडिक्वेट सेफ गार्ड्स against executive abuse of powers। independent and impartial judiciary जस्टिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ। तो अगर आपके एग्जाम में रूल ऑफ लॉ से क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाओगे। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव Together we learn, together we grow. Thank you. Have a nice day.